सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाता है, अब बोलता है भ्रष्टाचारी डरने वाले नहीं है, हम लोग पेड़ भी आ रही है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। यहाँ नहीं टिकने वाला है लोग, ये बिहार है बिहार। अब बिहार इस बार परिवर्तन लाएगा, तानाशाही को देश से खत्म करेगा। बैगर वाला इनके बीजेपी का साथी जो एमपी है, 3000 लड़की का शोषण करके भेज पा गया, अपना चुनाव खत्म करवा करके 26 के। बीजेपी में जाओगे तो साफ हो जाओगे, राजा बन जाओगे, हरिश्चंद्र बन जाओगे, केस मुकदमा बंद हो जाएगा। 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के मुंह से नौकरी का बात नहीं सुनते होंगे, गरीबी का बात नहीं सुनते होंगे, मोदी जी के मुंह से केवल यही सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन। और मोदी जी ने इतना झूठ बोला है 10 साल में कि गोबर को भी हलवा बना दिया। ये चुनाव देश को बचाना और बनाने का चुनाव है, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के मुंह से नौकरी का बात नहीं सुनते होंगे, गरीबी का बात नहीं सुनते होंगे, महंगाई की बात नहीं सुनते, मोदी जी के मुंह से केवल यही सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन। लेकिन बिहार में निवेश कैसे आए, समस्या हो बिहार में कारखाने कैसे खुले, बिहार का किसान का आय दुगुना कैसे हो, इस पे 10 साल में अगर आप लोगों ने एक बार भी मोदी जी की बात को सुना होगा तो बता दो, या सिंहेश्वर की जनता के लिए क्या किया मोदी जी ने, या मधेपुरा की जनता के लिए क्या किया, या सुपौल की जनता के लिए क्या किया बता दो। 17 साल से इनका सरकार राज्य में है और 10 साल से ये केंद्र में है। सुपौल का सांसद उन्हीं का है, क्या किया भाई, क्या किया आपके लिए, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कोई काम हो तो बता दीजिए। असल मुद्दा क्या है, गरीबी महंगाई बेरोजगारी पलायन किसान का असल मुद्दा है, सब घर पक्का हो जाए ये असल मुद्दा है, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए ये असल मुद्दा है, फसल जो कटनी हो रहा है उसका उचित दाम मिलना चाहिए ये असल मुद्दा है। गरीबी कैसे खत्म होगी, जब नौकरी मिलेगा लड़का के लड़की के तो आर्थिक रूप से लोग समृद्ध होंगे। अभी मोदी जी एक काम कहते कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे, तो 5 किलो अनाज थोड़ी दे रहे, वो तो यूपीए सरकार का समय फूड सिक्योरिटी बिल आया था तब से जो अनाज मिल रहा, पहले की राशन में तेल मिलता था चीनियों मिलता था, इकोनॉमी मोदी जी का देन नहीं थे। तो हम लोग सब लोग को एकजुट होना है, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। हम 17 महीने सरकार में थे, हमने 20 में वादा किया था चुनाव में, और आप सब सिंहेश्वर की महान जनता ने आशीर्वाद देकर के चंदा चौपाल जी को जिताया, मेरे हाथ को मजबूत किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, जिंदाबाद करते हैं आपको। हम क्या बोले थे कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगा, उस समय हमारे चाचा नीतीश जी का कहते थे कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से लाएगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बोलते थे असंभव है। खैर छोड़ो, 17 महीने जब वो बीजेपी मुकेश जी का तो विधायक खरीद लिए चार को बीजेपी वाला, ये बोल इनका विधायक खरीद लिया, हमारे चाचा सीएमए का हाईजैक कर लिया, समझे। खैर उनका भी पार्टी तोड़ रहा था, इनका तोड़ने के बाद उन्हीं का पार्टी तोड़ रहा था चाचा की भाजपा वाला, तो भगले भगले आए हम लोगों के पास कि भाजपा को भगाना है, लालू जी हमको माफ कर दीजिए, हमने के सबसे बड़ा पार्टी रहा, सबसे बड़ा पार्टी थे, जानते थे कि नीतीश जी एक बार पलटी मार चुके फिर दोबारा आ रहे, लेकिन देश हित के लिए भाजपा को भगाने के लिए फिर से हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और हम उप मुख्यमंत्री बने।
उप मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या किया कि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमें दिलाने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन है और 4.5 लाख निजी शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आंगनबाड़ी हो टोला सेवक विकास पत्र शिक्षा देते तालमी बढ़कर सबके मानदेय को हमने दोगुना किया। सारा आईटी पॉलिसी वगैरह बनाया। रात भर अस्पताल घूमते थे छापा मारते थे दवा मिल रहा कि नहीं मिल रहा इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा। इधर 3 लाख और बहाली निकलने वाला था तेरे चाचा जी फिर पलट गए। हम लोग काम कर रहे थे खेल नीति बनाए। खेल नीति में खिलाड़ी तो देश के लिए मेडल लाएगा और डीएसपी बन जाएगा। 71 को खिलाड़ी को एक नौकरी दिए अफसर बना पढ़े वाले के भी नौकरी खिलाड़ियों के नौकरी। पर्यटन नीति बनाए आईटी नीति बनाए निवेशकों को बुलाए देश भर में हाँ बड़ा बड़ा लोग बिहार में निवेश करो 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन करके गया। चाचा जी पलट गए। अब बोले क्या पलटने के बाद की क्रेडिट ले रहा था। एक बार भी आप देखे होंगे हम तो बेटा के नाम तलाश कर रहे थे। ये खैर जो भी बात है जहां रहे स्वस्थ रहे बुजुर्ग है सम्मान हम करते हैं लेकिन आप देखिए अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। क्या स्थिति होगी। और मोदी जी ने इतना झूठ बोला है 10 साल में कि गोबर को भी हलवा बना दिया। एक काम बता दो मोदी जी के ने जो सिंहेश्वर के लिए किया। एक काम बड़ा काम लालू जी रेल मंत्री थे तो कारखाना तो दिया ना मधेपुरा जिला को। हम एक काम दिला सकते हो। एक काम बता दो इतना बड़ा काम किया हो तो लालू जी तो यूनिवर्सिटी हम एक बोल गिनाइए है तो सामाजिक न्याय बोलने का अधिकार बैठने का अधिकार लालू जी दिए गरीब के। लेकिन ये बताइए उन लोग क्या किया क्या किया बताइए। नहीं किया तो वोट नहीं देना है उन लोगों को तय कर लीजिए। हम लोग का सरकार बनेगा तो देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। कितना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मोदी जी रेल सेल सब बेच दिए अब रेलवे में बहाली निकल रहा है। जहाजों बेच दिए अड्डा बेच दिए सब बेच दिए। आरक्षण खत्म हो गया स्वाभाविक जब सरकार के पास रहा नहीं निजी हो गया तो आरक्षण खत्म हो गया। तो इसलिए आप सब लोग गोलबोल रहे 1 करोड़ लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी मिलेगा। गरीब भाई वहां बैठी है सुन रही है साल में 1 बार हमारे गरीब बहन के 1 लाख रुपए का हम लोग सहयोग करेंगे। यानी महीना कितना हो गया महीना हो गया 8,333 रुपया। 8,333 रुपया गरीब बहन को हम लोग देंगे। गैस सिलेंडर मोदी जी 1400-1500 कर दिए उसको 500 रुपया हम लोग करेंगे। देश भर में सबसे महंगा अगर कहीं का बिजली है तो बिहार का है। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे और 10 फसल पर MSP हम लोग तय कर देंगे। मान लो 1800 रुपया एक दो फसल पे मिलता है वो भी मिलता है जो है ना फसल का कि कम से कम इतने ही पे 1800 रुपये खरीदो और बेचो उसको हम लोग डबल कर देंगे और कोशिश करेंगे कि उतना 10 फसल का अभी तो एक फसल 10 फसल का ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से यही अपील है कि चंद्रहा शिवपाल जी को हम लोगों ने सुपौल से दिया। इधर चंद्रदीप यादव जी हम मधेपुरा से हम लोगों ने दिया। उनके बाबूजी स्वर्गीय रवि जी थे जो MP रहे मधेपुरा में उन्हीं के लड़का है पढ़ा लिखा प्रोफेसर आदमी अंग्रेजी पढ़ाते हैं नौजवान हम भी नौजवान मुकेश जी भी नौजवान विधायक नौजवान चंद्रदीप नौजवान नया लोग को मौका मिलेगा तब ना काम करेगा
कब आप नया लोग नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा मौका बताइए तो। अब ये ना उम्र है काम करने का, बाकी अनुभव आप लोग सब लोग का तो है ही है, आप लोग सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई चंद्रहास चौपाल जी को आप लोग जिताने का काम। हम लोग सामाजिक न्याय वाला पार्टी है, गरीब के पार्टी है, उन लोग धनबल है, हम लोग जनबल है। पूरे देश में कोई नहीं दिया है जनरल सीट से दलित भाई को टिकट, लेकिन लालू जी दिए है चौपाल भाई के टिकट। हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबको मान सबको सम्मान मिले इसका काम हम लोग कर रहे हैं। सभी लोगों को मौका मिले, हर जात के लोगों को मौका मिले, हर धर्म के लोगों को मौका मिले, यही सामाजिक न्याय। मुख्य धारा में लाना है ना गरीब लोग को, तो लाना है तो ऐसे ही ना लाना है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं। हमको तो चोट लगा है यहाँ, मांसपेशी खिंच गया है, डॉक्टर बोला कि 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट करना है। हमारे 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो हम नहीं करेंगे, हमको सुइया दे दो, दर्द का गोली दे दो। तो दिन रात वही खा के चल रहे, आपके बीच आ रहे, लेकिन मेरा दर्द आप लोगों के दर्द से बहुत कम ना है। जो गरीबी का दर्द है, जो बेरोजगारी का दर्द है, जो महंगाई का दर्द है, अब युवा भाई लोग के बेरोजगारी से आजादी दिलाना है, इसलिए हम घूम रहे हैं, आप लोग का लड़ाई लड़ रहे हैं। सब जात सब धर्म के लोग एकजुट हो जाइए, हम लोग अग्निवीर योद्धा को खत्म कर देंगे। ये अग्निवीर योद्धा क्या है, कोई सेना में जाएगा 4 साल के लिए जाएगा और 2 साल ट्रेनिंग में चला जाएगा, 18 साल में लड़का ज्वाइन करेगा और 22 साल में रिटायर हो जाएगा। कहीं सुना थे, सुना 22 साल में रिटायर, पूछो नहीं कि रिटायर है। मोदी जी है 74 साल के, 5 साल और मांग रहे और लड़कों लगे 22 साल में रिटायर कर रहे है कि नहीं। और क्या है रे भाई, पार तो कर देगा, लेकिन उसके बाद लड़का सब क्या करेगा वो छोड़ो, शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं है, अग्निवीर योद्धा का पेंशन भी नहीं है, कैंटीन का जो व्यवस्था है वो भी नहीं है। तो जैसे पहले बाली सेना में होती थी वैसे ही बाली हम लोग शुरू करेंगे, ताकि लंबे समय तक भारत मां की रक्षा कर सके, सेवा कर सके। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। और जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, ये लोग अगर शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान तो शहीद का दर्जा नहीं है पैरा मिलिट्री फोर्स को, अर्धसैनिक बल को। हम लोग की पुरानी मांग है कि अर्धसैनिक बल को भी जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसको भी हम लोग करने का काम करें। तो अब समय नहीं, आगे और सब जगह जाना है प्रचार के लिए। हाँ मुकेश जी अकेले एक हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और उधर 20-20 हेलीकॉप्टर चल रहा है, लेकिन अपना एक हेलीकॉप्टर जो है भारी है। अरे हेलीकॉप्टर के ट्रैक्टर हम लोग बना दिए हैं। अब हम लोगों को डराता है, लालू जी पे केस मुकदमा कर देंगे, तेजस्वी पे करता है, ईडीसीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाता है, अब बोलता है भ्रष्टाचारी है। बैंगलोर वाला इनका बीजेपी का साथी जो एमपी है, 3,000 लड़की का शोषण करके भेज भाग गया, अपना चुनाव खत्म करवा करके 26 के बीजेपी में जाओगे तो साफ हो जाओगे, राजा बन जाओगे, हरिश्चंद्र बन जाओगे, केस मुकदमा बंद हो जाएगा। जो नहीं झुका, जैसे लालू जी आज तक भाजपा के आगे झुके नहीं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए हमेशा से खड़े रहे, डरे नहीं। जब लालू जी नहीं डरे तो उनका लड़का काले डराएगा, डरने वाले नहीं है। आई गुजराती लोग से बिहारी लोग डराएगा, ये मुकेश सहनी जी का सुरक्षा छीन लिया। हम लोग भी साथ आते हैं, अति पिछड़ा समाज का बेटा है, आरक्षण अपने समाज को दिलाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम दोनों बिहारी लोग गुजरात के लोग से डरा जाएंगे। हम लोग पेड़ बिहारी है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं, यहाँ नहीं टिकने वाला है लोग, ये बिहार है बिहार।
अब बिहार इस बार परिवर्तन लाएगा, तानाशाही को देश से खत्म करेगा, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए कि चौपाल जी को पहना देना। सिंहेश्वर की जनता जिंदाबाद। चुपचाप लड़ते चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।